अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद नीमर, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज है 8 फरवरी का दिन, यानी पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दिन, इलेक्शन का दिन। तो अभी दिन का 2:30 बज चुके हैं, काफ़ी काम में मसरूफ़ थे, तो अभी जा रहे हैं अपना वोट देने और अपना कैंडिडेट मुंतखब करने। तो चलते हैं जी। सबसे पहले तो हम पहुंचे हैं यहाँ पर, पर्ची कटवाते हैं अपना वोट डालने से पहले। देख सकते हैं कि हमारे यहाँ दोनों उम्मीदवारों का जो है पोस्टर लगा हुआ है, तो अभी कटवाते हैं पर्ची, तो फिर चलते हैं। तो ये हम पहुंच आए हैं अपना जो हलके का पोलिंग स्टेशन है, मर्दों का बूथ, वहाँ पर। तो अभी जाते हैं अंदर वोट डालने। तो वो डाल के मैं वापस आ गया था, तो यहाँ पर बैठे हैं जहाँ हम सारे बैठते हैं अक्सर बाहर भर्ती पर। हमने यहाँ पर बैठने का निज़ाम बनाया हुआ है, यहाँ पर 4-5 सोफे और कुछ चारपाइयाँ रखी होती हैं, हमेशा हम वैसे भी यहाँ बैठते रहते हैं। तो अभी वो डाल के मैं आ गया था, तो इस वक्त तकरीबन 4:30 का टाइम हो चुका है। तो बाकी जो हैं वो सारे इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, तो मेरे कुछ मेहमान आ रहे थे तो उनके लिए मैं यहाँ बैठ गया था। तो उनको अटेंड करते हैं और उसको बाद देखते हैं कि कौन जीता है, हमारा उम्मीदवार जीता है या किसी और का जीता है। तो आखिरकार जिसका इंतज़ार था वो हो गया और हमारा उम्मीदवार जीत गया, मुर्शिद जीत गया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई। यहाँ खड़े हैं सारे, कुछ नून के हैं, कुछ पीटीआई के हैं, सारे हैं। बस जीत हार चलती रहती है, लेकिन मोहब्बत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ये जीत हार एक वक्त की बात है। तो आप सारे जीतने के बाद ज़रा थोड़ी सी रैली बना के चलते हैं। तो ये सारे लोग खड़े हैं, ये सारे मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, कोई एक पार्टी का नहीं है, बदल मोहब्बत है कि सारे एक साथ चलते हैं। और बाकायदा ये भी खबर अभी हमने टीवी पर देखी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पूरे पाकिस्तान से जीत रही है। तो आज के व्लॉग की भी इजाज़त चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।